हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेस्क देवा इंग्लिश स्पोकन क्लास। फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो, और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फ्रेंड्स, इंग्लिश बहुत ज़रूरी है, आजकल हर जगह काम आती है और इंग्लिश सीखने से फ़ायदे बहुत होते हैं, इसलिए इंग्लिश सीखना बहुत ज़रूरी होता है। और फ्रेंड्स, अगर आप सचमुच इंग्लिश सीखना चाहते हो तो शुरू से, हमने आज अभी तक 200 से ज़्यादा वीडियो डाला हुआ है, आप शुरू से, अगर आप शुरू से वीडियो देखते हैं, एक एक वीडियो रेगुलर देखते हैं आप और तैयारी करते जाते हैं जैसा उसमें बताया जाता है, तो आप इंग्लिश ज़रूर सीख जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे। फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट द यूज ऑफ एज इफ एंड एज दो। ओके फ्रेंड्स, तो हम सीधा शुरू करते हैं। एज इफ एंड एज दो, ये एज इफ है एंड एज दो है, इसका इस्तेमाल हम किस तरह के सेंटेंसेस के लिए करते हैं और क्या चेताने के लिए करते हैं, तो आई एम सेंटेंसेस से समझते जाते हैं। वह मुझे ऐसे आदेश देती है मानो मैं उसका नौकर हूँ। वह मुझे ऐसे आदेश देती है कि मानो मैं उसका नौकर हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ही ऑर्डर मी, शी ऑर्डर्स मी एज इफ लिखेंगे या एज दो भी लिखेंगे, दोनों में से कोई एक इस्तेमाल हम कर सकते हैं, या एज इफ या एज दो। ओके फ्रेंड्स, एज दो आई वर हर सर्वेंट, शी ऑर्डर्स मी एज इफ या एज दो आई वर हर सर्वेंट। ओके फ्रेंड्स, इसमें कोई भी मुश्किल बात नहीं है। हम मानो, जैसे मानो के लिए हम एज इफ या एज दो का इस्तेमाल करते हैं कि मानो, जैसे हम बोलते हैं ना कि वो ऐसे चलता है मानो वो लंगड़ा हो, कि ही वॉक्स एज इफ या एज दो ही इज अ लैम्प। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी तरह के सेंटेंसेस है, हम इसमें एज इफ या एज दो का इस्तेमाल मानो के लिए करते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, अभी सीमा ऐसे गाती है मानो वो लता मंगेशकर है, तो सीमा सिंग्स एज इफ सी वर लता मंगेशकर। यहां पर हम वर का इस्तेमाल करेंगे। फ्रेंड, आपको लग रहा होगा कि आई के साथ वर क्यों और शी के साथ वर क्यों, यहां पर वर का इस्तेमाल होता है। ओके फ्रेंड्स, यहां पर हम प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, यही इसका नियम है। ओके फ्रेंड्स, तो सीमा सिंग्स एज इफ शी वर लता मंगेशकर, एज इफ का इस्तेमाल करो या एज दो का इस्तेमाल करो, बात एक ही है। अभी तुम ऐसे दिखाई दे रहे हो मानो एक साल से स्नान ना किया हो, तो यू लुक एज इफ या एज दो। अब यहां पर हम वॉज या वर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पर इसमें वर्ब है, पर्टिकुलर वर्ब है इसमें, कि साल से स्नान ना किया हो, तो स्नान करना एक वर्ब हो गया, इसलिए यहां पर हम वाज या वर बी वर का नहीं इस्तेमाल करेंगे, बल्कि उसके जो मेन वर्ब है, पर्टिकुलर जो वर्ब है उसमें दिया हुआ है उसका इस्तेमाल, और उसी टेंस के हिसाब से हम उस सेंटेंस को बनाएंगे। तो एक साल से स्नान ना किया हो, तो दिस इज अ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो इसमें क्या लिखेंगे, यू लुक एज इफ या एज दो यू हैव नॉट टेकन बाथ फॉर अ ईयर। यू लुक एज इफ एज दो यू हैव नॉट टेकन बाथ फॉर अ ईयर, यहां पर हम जैसा सेंटेंस है उसके हिसाब से, जिस टेंस का सेंटेंस है उसके हिसाब से ही हम इस सेंटेंस को बनाएंगे, न कि ऊपर वाले की तरह वाज और वर का इस्तेमाल करेंगे। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों, उसमें वर लगाया और इसमें ऐसा वर क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहां पर
जो सेकंड सेंटेंस है, दूसरे सेंटेंस में कुछ करने का भाव नहीं है, कुछ करने के लिए नहीं कहा जा रहा है, सिर्फ यहाँ पर नाउन का जिक्र किया जा रहा है कि मैं उसका नौकर हूँ, नौकर एज अ नाउन, नाउन का जिक्र किया जा रहा है, वहाँ पर कोई वर्ब नहीं है, इसके लिए वहाँ पर हम मतलब होना या बनना या रहना उसका बोध होता है, तो इसलिए इसमें हम बी वाले वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि वाज वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, तो वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, और इसमें सेंटेंस में पर्टिकुलर वर्ब है, इसलिए यहाँ पर हम वाज या वर्ब का इस्तेमाल ना करके जो जिस टेंस का सेंटेंस है उसी टेंस के रूल्स के हिसाब से हम बनाएंगे। ओके फ्रेंड्स, वह ऐसे कार चला रहा है मानो उसने बचपन से कार ना चलाई हो, तो ही इज ड्राइविंग कार एज इफ या एज दो ही हैज नॉट ड्रिवन कार सिंस चाइल्डहुड। ओके फ्रेंड्स, ही इज ड्राइविंग एज इफ या एज दो का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, एज इफ ही हैज नॉट ड्रिवन कार सिंस चाइल्डहुड। तो फ्रेंड्स, अभी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि एज इफ या एज दो का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं। जब सेंटेंस में दो सेंटेंस हो और दूसरा सेंटेंस शुरू होने से पहले मानो का इस्तेमाल हो रहा हो, मतलब जैसे कि हम कुछ भी, मतलब वो ऐसे पेट पकड़ के खड़ा है जैसे मानो, या जैसे बोलते ना जैसे, या मानो उसने दो दिन से खाना ना खाया हो, इस तरह के सेंटेंसेज आते हैं, तो उसके लिए हम एज इफ और एज दो का इस्तेमाल करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और अच्छा लगा होगा आज का वीडियो। तो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स लाइक कर दिया करो, अगर आप हमारे वीडियो देखते हो तो लाइक ज़रूर कर दिया करो अगर अच्छा लगता है, तो नहीं लगता है तो अनलाइक कर दो और कमेंट में दे दो कि आपको क्या अच्छा नहीं लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद।